हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे से हैं और हम भी ठीक हैं। अभी मैं स्कूल के बाद आया हूं अपने नए वाले घर पे जहां काम चल रहा है, और इस समय मैं हूं अपने घर की छत पे। ये देखिए, आप पीछे दिखाई दे रहा होगा, ये सब कुछ सामान फैला हुआ है और यहाँ थोड़ा खुला वातावरण है, चारों तरफ हरियाली है। दूर तक देखिए, पीछे दिख रहा होगा दूर तक, तो अभी क्राउडेड एरिया नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है अभी आपको दिखाता हूँ। और स्कूल से आने के बाद में काफ़ी सनलाइट थी, धूप थी तेज़, बहुत गर्मी हो रही थी, तो अभी बादल हो गए हैं आसमान में, तो अभी मौसम अच्छा हो गया है। और अभी मैं दिखाता हूँ, देखो हमारे छत पे क्या क्या काम हो चुका है। तो ये देखिए, हमारा परगोला बन गया है यहाँ पे ये, और इधर ये पुराना टूटा हुआ टैंक रखा है, और इतना स्पेस, ये सेकंड फ्लोर है हमारा, ऊपर सबसे ऊपर दो मंजिल हैं। दिखाते हैं आपको कितनी हाइट है, कितना स्पेस यहाँ पे कवर्ड हमने किया है। तो ये इतना एरिया मेरा ऊपर की छत है, ये यहाँ पर है, और बाकी नीचे की छत मेरी ये है। ये एरिया मैंने ओपन रखा है, कोई स्पेशल पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ पर छोड़ रखा है ये। और काफ़ी नीचे उधर है, इधर भी काम चल रहे हैं। तो अभी कहाँ, टाइम तो काफ़ी लगेगा सब कुछ फिनिश होने में। बाकी ये डिज़ाइन देखिए आप, कैसी लग रही है आपको? ये मेरी चॉइस थी, इस तरीके से बॉक्सेस बनाए स्क्वायर में। और ये हमारा जीना है एंट्रेंस, और इधर ये है रोड, नीचे रोड आ चुका है फर्श वगैरह के लिए। अभी तो सब कुछ फैला हुआ है, डर लग रहा है नीचे देखने में। चलिए तो अभी नीचे चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या काम है। इस गेट को कर देते हैं बंद, नए बने बने घर में मैंने यहाँ से तोड़फोड़ करना शुरू करा दी। एक कमरा था हमारा, एक रूम था यहाँ पे, तो ये मुझे कुछ साइज़ छोटा लग रहा था, और यहाँ पे बालकनी में काफ़ी ज़्यादा जगह थी एक्स्ट्रा, इसका इतना यूज़ भी नहीं था, तो इसको मैंने यहाँ तक बढ़ाने के लिए वॉल को हटवा दिया फिलहाल ये यहाँ से, और ये यहाँ तक हमारा रूम आ जाएगा यहाँ तक। फिर ये रूम यहाँ से वहाँ तक हो जाएगा, कॉर्नर वहाँ तक हो जाएगा, वहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक रूम हो जाएगा। तो रूम बड़ा होना अच्छा लगता है, इधर का स्पेस फिर भी काफ़ी रह जाएगा मेरा। देखिए कितना स्पेस है, काफ़ी स्पेस है, तो इसलिए तोड़वा दिया मैंने। अभी फिनिशिंग से पहले ये काम, सही आइडिया आ गया मुझे रूम बड़ा करने का, दो दिन लगेंगे, ये बराबर मेंटेन हो जाएगा, फिर से ठीक लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी नीचे दिखाते हैं, देखो नीचे क्या काम हो रहा है। तो नीचे हमारे यहाँ पर फर्श की लेवलिंग का काम स्टार्ट हो चुका है, का एक लेवल कर दिया गया है। इसके बाद में जो गिट्टी रोड़ा आया था बाहर, वो रहा हमारा, ये पड़ा हुआ है, उसको डालेंगे, फिर यहाँ पे फ्लोरिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा जल्दी ही। तो अभी इतना काम चल रहा है फ्रेंड्स, और बाहर से दिखाते हैं एक लुक क्या है, और इसके बाद में चलेंगे घर, घर पे देखेंगे, काफ़ी देर हो गई है, शील वगैरह क्या कर रहे हैं ये देखेंगे। तो अभी तो ऐसा ही लुक है, आपने देखा ही था पिछले ब्लॉग में, वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, जल्दी चेंज हो जाएगा। ये देखिए सारा ट्रॉली से मैंने इतना सारा मटेरियल यहाँ पे उतरवा लिया है, और कल के बाद ही अंदर पूरे में बिछ जाएगा अंदर। और हम आ गए घर पे, और घर पे देखो दीप बाबू क्या कर रहे हो। अरे वाह दीप ने, आज तो
कुर्ता पहना है। ये किस कलर का कुर्ता है बाबू का? ऑरेंज कलर का कुर्ता है। आज तो बड़ा क्यूटी बनना है बाबू। क्या कर रहे हो शूज? ओए उल्टे, बाबू ने उल्टे पहन लिए। ओए फेंक दिया। अरे रे रे गिर गए गिर गए गिर गए। चलो तो रे, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। मम्मा क्या कर रही हैं? किचन में। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं, पहन के आओ। मम्मा किचन में है। हाय, किचन में है। तो फ्रेंड्स आ गए थे घर पे, देखा देख क्या पहन हुए हैं, कुर्ता पहन हुए हैं और मैंने चेंज कर लिया है। फिलहाल मैं कर रहा हूँ इवनिंग की टी। और ये देखो कौन है साथ में। हेलो, देखो देखो हम लोग देखो ग्रे पहने हैं। सही है, हम दोनों मैचिंग से रहते हैं। और ये सो के उठ गई ऐसा लग रहा है, थक गई थी। थक जाते हैं, मैं स्कूल जाती हूँ। चलो तो मैं भी थक गया हूँ, तो मैं अभी फिलहाल पी रहा हूँ चाय शाम की। और देव देखो, देव ने पूरा बिस्तर बिगाड़ दिया। देव को बिस्तर पे अच्छा नहीं लगता चल रहा है। और देवी साहब कहता है खराब करके बैठूंगा, तो खराब करके बैठता हूँ। देव को ऐसा बैठना अच्छा लगता है। आपको क्या चाहिए? रेड और ग्रीन वाला क्या चाहिए बेटा आपको? कैमरा। क्या करोगे आप उससे? सबका फोटो क्लिक करोगे? तो आपके फ्रेंड्स मिलेंगे उनका करोगे? कैसे बोलोगे? स्माइल प्लीज। पापा के अच्छे फोटो क्लिक कर देता है, है ना? जल्दी ले आओ। तो फ्रेंड्स हम लोग रेडी हो रहे हैं बाहर जाने के लिए और मैं रेडी हो चुकी हूँ। और ये तो फ्रेंड्स हुआ ये था कि मैंने जब इवनिंग टी पी थी उसके बाद में मुझे आने लगी नींद। तो कह रहे मैं भी सो रही हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, तो तुम भी जग जाओ मैं भी जग जाऊँ। तो हम लोग का प्लान हो गया बाहर घूमने का। और हम जा रहे हैं आज ऐसी जगह, आज हम आपको दिखाएंगे बदायूं में, बहुत ही ब्रांड न्यू अभी ओपनिंग हुई है बदायूं में, बाकी सब जगह तो है। तो हमारे बदायूं में डोमिनोज का बड़ा वाला आउटलेट खुल चुका है, डोमिनोज पिज्जा का। और ये लड़का शोर मचा रहा है। तो डोमिनोज मेरे पे बहुत वजन लाद लिया। तो डोमिनोज पिज्जा का आउटलेट बड़ा वाला खुल चुका है, तो वहाँ पर हम लोग आज डोमिनोज का टेस्ट लेंगे जाके। और आज आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने डेकोरेट किया है और कहाँ पर खुला है वो, है ना? तो वो खुल रहा है बदायूं का जो मेन मॉल बन रहा है बड़ा वाला, उसमें ओपनिंग इसकी हो गई, बाकी मॉल अभी थोड़ा टाइम लगे मॉल बनने में, है ना? कहाँ जा रहा है देव? तो देव जा रहे हैं अपने रेड वीडियो कैमरा के लिए सेल लेने, बैटरी लेने, है ना? और अगर बाबू रात ज्यादा हो गई होगी तो बैटरी वहां नहीं मिलेगी, फिर कल चलेंगे। तो कल चलेंगे, कल फिर से चलेंगे। ओके, ये फिर एग्री है, कल फिर से घूमने को मिलेगा मुझे। मैं तो बाहर आ चुकी हूँ और मैं वेट कर रही हूँ, पर ये लोग अभी तक नहीं आए। जल्दी आओ, बहुत देर हो गई यहाँ पर। तब तक आपको ऊपर दिखाते हैं ऊपर कैसा बनाया हुआ है। ऊपर ये एंट्रेंस था, अच्छा ये तो खाली पड़ा हुआ है। तो देव सो गए यहाँ पे। और ये देखिए ऊपर की कितनी अच्छी डेकोरेशन की है। अभी सिटिंग स्पेस यहाँ तो एनफ है, बाकी मॉल बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बाहर दिख नहीं रहा है, पर्दे पड़े हुए हैं। तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा ये सर्विस अपनी अच्छी कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये आ गया हमारा पिज्ज़ा और शी की भी आ गई कॉल। तो शी ने पिज्ज़ा खोल लिया है और ये देखो, वाओ, हमने जो चूज़ किया था क्रिस्पी एंड कॉर्न और बहुत ही रेड कलर अच्छा वाला है। और बना रही शी। और बाबू सो रहा है, बाबू को लेटाने की कोशिश की, बाबू लेटा ही नहीं।
और लगातार कस्टमर्स आ रहे हैं यहाँ पे। पिज़्ज़ा तो बहुत सारे खाए शीन है ना, बट ये हमारे बदायूं का है ना, इसलिए स्पेशल ये बदायूं में डोमिनोज। देखते हैं टेस्ट कैसा है, कैसा होगा, वैसे ही होगा जैसे होता है ना। अच्छा, हाँ हाँ, उठा 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 उठा, नहीं उठ रहा है, उठा उठाओ, मैं देखूँगा वो उठ गया। ये देखो खाओ 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 खा लिया खा लिया, सही लग रहा है ना। स्पाइसी बहुत लग रहा है दिखने में तो। ये देखो रोड चल रहा है, तो देव आते ही सो गए और सोते हुए अब जा रहे हैं। हम लोगों ने पिज्ज़ा खा लिया, कुछ चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं हम लोग यहाँ की कि स्टार्टिंग है तो हो सकता है मैनेज हो जाए, बाकी नॉट गुड एक्सपीरियंस, एवरेज। चलते हैं, तो ये बन रहा है हमारे बदायूं का मॉल, अंदर वो वहाँ तक है, दूर पीछे तक बन रहा है बदायूं सिटी मॉल, वहाँ से एंट्रेंस होगा और ये इसका मेन गेट पे हम लोग अभी खड़े हुए हैं, यहाँ से मेन गेट बनेगा। तो स्टार्टिंग में ये डोमिनोज है, और ये कौन सा रोड है, ये कौन सा रोड है, तो ये है आगे आता है लाबेला चौराहे से आता है किधर को और अंदर शहर के लिए जाता है। हाँ, ये है SBI की मेन ब्रांच जो है उसके पास में है, ठीक है ना, SBI की मेन ब्रांच उसके पास में। बहुत सारी चीज़ें, साई हॉस्पिटल, SBI की मेन ब्रांच, सिटी मार्ट। चलो हम लोग चलते हैं, और शी ने पिज्ज़ा खा लिया है, यहाँ से लिया है। तो अब हम लोग आ चुके हैं मेला में, और देव रो रहे हैं। देव क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, बताओ देव क्यों रो रहा है। बाबू सो के उठा इसलिए रो रहा है, आशी है, आ जाओ, ये रहा खाने के लिए बाबू के लिए। नहीं खाओगे, तो हमारे बदायूं में फिर से एक बार मेला लग चुका है यहाँ पे, और सब लोग घूमने आए हुए हैं मेले में बाबू के लिए। अब खिलौने देखते हैं, ठीक है, खिलौने देखें, चलो खिलौने देखते हैं। बाबू रोना बंद करो पहले, गाड़ियाँ खाली पड़ी हैं सब लोग, और सारी गाड़ियाँ खाली पड़ी हैं, सारी गाड़ियाँ खाली पड़ी हैं, ये डक जा रही है डक। बाबू बैठे कहाँ से, हंस रहा है बाबू, ओ ऑरेंज, ये वो कैसे आ रही है, हंस रहा है बाबू। फिर से मेला लग गया बाबू के, और पीछे देखो बाबू, पीछे देखो, पीछे इसने देखो, फोन में देखो, वो पीछे चल रहा है फोन में, देखो चल रहा है। लेडीज डिपार्टमेंट देखा, वहीं घुस गई, पहले कौन गई थी इस बैंगल्स की दुकान में, और अब घुस गई साड़ी की दुकान में। तो ये हमारे साल में कितनी बार मेला लगता है बताइए, आपको पता ही नहीं है, मतलब ये स्पेस खाली नहीं रहता है मेले वाला, यहाँ पे कुछ ना कुछ रहता है ना बाबू, है ना। और ये बच्चा देखो खुद झूलना चाहिए, सबको झुलाता है, छोटा सा बच्चा है। देव की तरह कुर्ता पहने है, देखो ऑरेंज ऑरेंज है, ये तो ऑरेंज ऑरेंज पहने है। अब यहाँ पे आ गए जूते चप्पलें देखने को, और ये शिवम भाई मिले, शिवम नाम है ना भैया, वो हमारे बदायूं के फर्स्ट टाइम के हमें, वैसे तो यूट्यूबर बहुत सारे हैं लेकिन ये बदायूं में सीधे सीधे हमें डायरेक्ट आज मिल गए हैं। ब्लॉगिंग मैं भी कर रहा था, ये भी कर रहे थे, इनका भी चैनल है भैया का, सब्सक्राइब मैंने भी कर लिया है। और क्या नाम बताया चैनल का, माउंटेन अड्डा और शिवम मिश्रा BDN से हो रहा है, दोनों में से आप दोनों देख लीजिएगा, दोनों का ब्लॉग। ओके, तो अच्छा लगा आपसे मिलके। देव ने ले लिया अपना बबल बनाने वाला, बबल मेकर ले लिया है, और पहले तो अभी फैन चला रहे हैं, और अंकल को बोला देव ने, थैंक यू बोल दिया, थैंक यू बोल दिया। और ये लोगे देखो, शूज शूज ले लो, पिंक कलर का शूज, देखो पिंक कलर का शूज लोगे, लोगे क्या, शूज रहने दो, अभी आपके पास पेंशन नहीं है इसलिए रहने दो शूज, ठीक है, शूज बाद में दिलाएंगे। और शी ने अभी तक पता नहीं कितने जूते निकलवा लिए हैं, कौन से निकलवाए हैं, ये सारे, ये सारे यहाँ से, यहाँ तक निकाल
बेस तो बहुत तगड़ा है, बेस तो बहुत अच्छा है, बहुत लेकिन वो मेरे आ नहीं रहा, बहुत बड़ा है। तो चलो भैया हमारा तो मेला हो गया है, श्री ने तो श्री ने तो 5 जोड़ी सैंडल्स खरीदे हैं और ये देखो बाबू ने क्या खरीदा है। चल तो देव घर पे आ गए और देव क्या बना रहा था बाबू, क्या बना रहा था, बबल बना रहा था। और इधर हमारा जल्दी जल्दी डिनर रेडी होता है, ओए है बहुत तगड़ा बाबू के बलन बलन खत्म हो गए बस। ओके अब बाद में लाओ ये मम्मा का, बैठो बोल बैठो यहाँ दिखाओ लाओ। तो फ्रेंड्स हम लोग कर चुके हैं डिनर, अब डिनर करने के बाद देव खेल रहे हैं मम्मा और पापा के साथ। तो फ्रेंड्स ये कुछ कहने वाले हैं? हाँ तो वही कहने वाला हूँ, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने कर लिया डिनर और आप लोग भी डिनर कर लेना जल्दी से, बाकी मुझे पता है कर लिया होगा। और आज हम जो लोग पिज्ज़ा खा के आए हैं तो हम अपना रिव्यू क्या बताएं, हमने जो भी खाया क्या खाया, सर्विस मज़ा नहीं आया सर्विस में, सर्विस में मुझे ऐसा लग रहा है तो ठीक था, बताइयों में नहीं था, नया था आउटलेट जो खुला है, बट ऐसा लगा ना कि वो लोग जो बनाने और सर्विस करने वाले थे वो भी नए थे, तो बढ़िया सर्विस नहीं चली फिलहाल तो, बाकी एक्सपीरियंस हो जाएगा तो अच्छा चलेगा। और दूसरा ये कि कमेंट में बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो फ्रेंड्स हम थोड़ा टाइम अब देव को दे दें और इसी के साथ इस ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।